हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं गोडॉक्स एक्स प्रो टीटीएल वायरलेस फ्लैश ट्रिगर के बारे में। यस, आप जैसे देख सकते हैं मेरे हाथ में ये छोटा सा एक डब्बा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि जो है गोडॉक्स का एक्स प्रो फ्लैश ट्रिगर क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, कैसा ये दिखता है। तो चलिए, जैसा कि आप ये पैक देख रहे हैं, मैंने इस पैक को जो है अभी थोड़ा ओपन कर दिया है। ये देखिए, ये इसमें से कुछ वारंटी कार्ड है, इसके साथ में आता है ये कुछ चाइनीज लैंग्वेज में इनका एक और पेपर निकला है इसमें कुछ। उसके बाद तो खोल लेते हैं और आप देख सकते हैं ये है इसका की प्रोडक्ट्स, इन्होंने की इनके जो और ट्रिगर्स आते हैं उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है इसमें। और ये है इसका मैनुअल गोडॉक्स एक्स प्रो एन। तो फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम अ निकॉन यूजर, इसलिए मैंने जो है ये ऑर्डर किया था अपना निकॉन का। सो अगर आप कैनन यूजर हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको कैनन ऑर्डर करना है। तो ये फाइनल ये प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल डिजिटल फ्लैश ट्रिगर, ये कंप्लीटली वायरलेस है और एकदम नया मॉडल है ये, देखिए। सो अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं X Pro N, N stands for Nikon। अगर आप Canon यूजर हैं तो आप ध्यान रखें यहाँ पर C होना चाहिए, और अगर आप Sony यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर S। तो ये इसकी पहचान है। अब हम देखते हैं ये ट्रिगर कैसा है, कैसे वर्क करता है। चलिए मैं इसको थोड़ा क्लोजअप शॉट लेते हैं इसका। देखा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा क्लोजअप लेके आया हूँ, यहाँ पे आप दो बटन देख रहे हैं, ये स्विच ऑन ऑफ बटन है और ये जो है ये असिस्ट बीम, अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहें वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे ऑन करते हैं। चलिए, ऑन करने से पहले हम पहले इसका बैक साइड देखेंगे। ये बैक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम अगर इसको थोड़ा सा ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको डबल ए बैटरी इसमें लगती है, जो आप इसके साथ में नहीं आती, ये आपको अलग से लेनी पड़ेगी। ये इसका हॉट शू का, ये देखिए यहाँ से आप इसको इस तरह से हम अपने कैमरा पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम भी करेंगे। और यहाँ से हम अभी इसको स्विच ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये देखिए, ये जो है हमारा अभी ट्रिगर ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने चैनल 1A इस पे ग्रुप पे लिया हुआ है मैनुअल 128, और अगर हमें टीटीएल पे करना है तो हमें यहाँ पे देखिए यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। ये मैंने प्रेस किया तो ये टीटीएल पे आ गया। यहाँ से आप टीटीएल की सेटिंग्स हम सेट कर सकते हैं 1.2.73 एंड सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम तो ये माइनस में चला जाएगा। सो आप इसको मैनुअल भी यूज कर सकते हो, आपको जब टीटेल यूज करना है तो यहाँ से हम टीटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें इसके अंदर हाइट स्पीड सिंक भी है, तो अगर आपको हाइट स्पीड सिंक आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी आप जो है इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड जो बटन है वो इसका, ये देखिए सेकेंड बटन है इसका हाइट स्पीड सिंक का, तो आपको ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस किया तो ये आ गया आपका हाइट स्पीड सिंक, जो कि काफी अच्छा फीचर है इसके अंदर। और गोडॉक की, जैसे मैंने प्रीवियस आपको एपिसोड में दिखाया था जो हम AD600B यूज कर रहे हैं, तो ये सीधा सिंक कर लेता है। और गोडॉक्स के जितने भी लाइटिंग गियर्स हैं उसके साथ ये अच्छे से काम करेगा। सो इसके अंदर एक फीचर और भी अच्छा मुझे लगा, वो ये कि कई बार हम लोग डायल गलती से जो है घुमा देते हैं, जिससे कि किसी ने और ने हाथ लगाया तो सेटिंग्स चेंज हो जाती है। इसके अंदर आप एक बार आपने कोई सेटिंग्स कर ली, फॉर एग्जांपल ये सेटिंग अगर मुझे लॉक करना है तो मुझे सिर्फ बटन ही प्रेस करना है और मेरी ये देखिए सेटिंग जो है यहाँ पे लॉक हो गई है। तो अगर आप कोई भी इसको हिलाएगा, इसके साथ कुछ भी छेड़खानी करेगा तो मेरी सेटिंग्स जो है चेंज नहीं होगी। तो एक छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड्स इसके बारे में, तो काफी स्लीक है, आपने देखा ऑन ऑफ बटन ये। अब मैं इसको एक बार कैमरे पे लगा देता हूँ ताकि आप थोड़ा देख पाए कि इसको कैसे हमें कैमरा पे लगाना होता है। तो ये देखिए, ये मेरा निकॉन का कैमरा है, तो जब भी आप लगाएं तो ये ध्यान रखिए कि पहले आपको इसको स्विच ऑफ करना है। जब अगर आप ये चालू है और आपने सीधा कैमरा पे लगाया तो वो एक सही तरीका नहीं होता है, तो पहले आपको अपना रिमोट स्विच ऑफ करना है, उसके बाद हम जो है इसको कैमरा पे इस तरह से लगा देंगे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये मैंने इसे टाइट कर दिया है, और मैं इसको एक बार दोबारा स्विच ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये देखिए स्विच ऑन हो गया। तो अभी सेटिंग्स दिखा रहा है ये, ए चैनल पे टीटीएल मोड में है +2.7 और HSS मेरा हाई जो है स्पीड सिंक
अच्छे से स्मूथ में है। तो ये थोड़े से फीचर्स हैं फ्रेंड्स, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। मैंने बिल्कुल नया लिया है तो मुझे शायद थोड़ा टाइम लगेगा इसे इसके और फीचर्स को समझने के लिए, बट डेफिनेटली मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा आपके सामने जहां पे हम लाइट और इसको एक साथ यूज करेंगे ताकि आप देख पाएं कि लाइट और ये कैसे एक दूसरे के साथ सिंक करते हैं और हम कैसे जो है हाइट स्पीड हाई सिंक स्पीड के ऊपर हम अच्छे से शूट करते हैं इमेजेस को और टीटेल कैसे यूज करते हैं। तो वो एक वीडियो मैं जरूर आपके सामने जल्दी से बनाऊंगा ताकि आप वो देख पाए। सो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा है। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ मैंने भी कैमरा ऑन किया है तो जैसे ही मैं कैमरा ऑन करूंगा फ्रेंड्स तो ये ऊपर दिखाता है कि कैमरा इसने रीड कर लिया। देखिए मैंने ऑन किया तो ये कैमरे का सिंबल आ गया ऊपर, सो इट मींस माय कैमरा इज ऑन। सो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल फ्री है, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसे नहीं लगते हैं। और बेल आइकन जो है उसे प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारा नया वीडियो जब रिलीज होता है तो आपके मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आज हमारा नया वीडियो रिलीज हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये जो गोडॉक्स का फ्लैश ट्रिगर है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।